हेलो एवरीवन, मैं लाइव हूँ क्या? जल्दी से लिख के बताओ, मैं लाइव हूँ। रिलैक्स विद QLB। अदिति चौबे, मृदुल, प्राची, ओके, प्रिंस। तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो दिस इज अंशप्रिया, असिस्टेंट केमिस्ट्री मास्टर टीचर एट योर फेवरेट यूट्यूब चैनल, इट इज वेदांतु मेडिसी। तो आज हम करने वाले हैं बच्चे एम्स वाया नीट सीरीज जो हमारा चल रहा है, उसमें हम 2011 के क्वेश्चंस करने वाले हैं थ्रू मेंटी। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कौन कौन बच्चे आ गए हैं सेशन में। नवदीप कौर, अदिति चौबे, अच्छा नहीं मैम अप्लाइड नहीं हो, अच्छा रिंकी, मृदुल, एस एस क्रिएशन, ओके अबीरा, ओके नीलम, अजय, दिव्या, चितांशु, गौतम, खुशी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग बच्चे, प्राची, अस्तित्व, आशा, दिव्या, रिलैक्स विद QLB, अंकिता, आई एम गुड बच्चे, आप बताओ कैसे हो, गौतम, चितांशु, ओके विकास, श्रेयस, अजय, आस्था, ओके चलो फिर वेलकम टू द क्लास बच्चे, थैंक्स फॉर कमिंग। तो आज हम करने वाले हैं, ओके थैंक्स टारगेट, थैंक्स अ लॉट, ओके गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और सारे प्लेयर्स आ चुके हैं, ओके स्वीट मॉर्निंग कैप्टन, ओके तो ओके तो आप लोग तैयार होना आज मुझे लीडर बोर्ड पे आने के लिए, बिल्कुल तैयार होना आप लोग लीडर बोर्ड पे आने के लिए आज, ओके गुड मॉर्निंग अनमोल, गुड मॉर्निंग बच्चे, आई एम गुड दिव्या, आप बताओ कैसे हो, ओके और गुड मॉर्निंग मोटिवेशन, आप लोग तैयार हो ना बच्चे, जल्दी बताओ तैयार हो आज, तैयार हो बिल्कुल फोड़ने के लिए लीडर बोर्ड पे आने के लिए आज के मेंटी में, ओके रस्टी, ओके दिव्या, हर्षा, मोहित शर्मा, गौतम, चलो प्लेयर्स आ रहे हैं धीरे धीरे, ओके ओके सारे बच्चे तैयार है बिल्कुल, हाई जोश, आज तो आएंगे लीडर बोर्ड पे, बिल्कुल सही मंजीत, आप बताओ कैसे हो, ओके अच्छा ओके चलो फिर, तो चलो फिर हम सेशन में प्रोसीड करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आज कौन आता है लीडर बोर्ड पे, आज आज कौन कौन बच्चे होते हैं जो कि लीडर बोर्ड पे अपनी पोजीशन को बना पाते हैं, कौन टॉप पे आता है, तो देखते हैं आज क्या होता है हमारा सेशन, हमारे सेशन में। ठीक है ओके, तो चलो फिर हम सेशन में प्रोसीड करते हैं। ओके तो जल्दी से बताना बच्चे, स्लाइड्स दिख रहे हैं आप लोगों को, स्लाइड्स विजिबल है, स्लाइड्स विजिबल है, स्लाइड्स विजिबल है, जल्दी से बताना। मुस्कान, प्रिंस, विजिबल है ना बिल्कुल, ओके तो चलो फिर हम सेशन में प्रोसीड करते हैं। ओके तो आज हम करने वाले हैं 2011 का पेपर, आपका मेंटी कोड है बच्चे 7428 8820, आज का जो हम आज का जो मेंटी कोड है आपका वो है 7428 8820, ठीक है 8820 7428 8820, ठीक है। तो जल्दी से www.menti.com पे जाओ, कोड लगाओ, डेट इज 7428 8820, ठीक है। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और देखो अ बिग सरप्राइज इज देयर टू कम, ठीक है। इनफैक्ट आ चुका है उड़ान सीरीज, स्टार्ट हो चुका है, ठीक है बच्चे, और तो स्टे ट्यून्ड बच्चे। एंड ये आपके जो 10th मूविंग 11th के जो बच्चे हैं, ठीक है, तो उनके लिए है ये, बहुत अच्छी सीरीज है, ठीक है चलो फिर। एंड ऑल इंडिया मॉक टेस्ट आपके 6th ऑफ जून को होने वाला है, इसे रजिस्टर करने के लिए लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है,
कोर्स डिटेल है कि नंबर ऑफ लेक्चर्स पर वीक जो होगा 3 फिजिक्स के, 3 केमिस्ट्री के, 4 बायो के होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 40 क्वेश्चन पर क्लास होगा, 20 क्वेश्चन इन आफ्टर क्लास असाइनमेंट होगा, नंबर ऑफ टेस्ट होगा 4 पार्ट टेस्ट एंड 4 फुल सिलेबस टेस्ट होगा। रजिस्टर करने की लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो जो अगर आप किसी भी तरीके का इमोशन फेस करो रिगार्डिंग यू नीड प्रिपरेशन बच्चे, तो आपके लिए वेदांत बहुत अच्छा ऑफर लाया है, दैट इज थ्रू द क्रैश कोर्स। इसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, तो आपके इंटायर नीड सिलेबस को 120 सेशंस में कवर करवाया जाएगा। आप अनलिमिटेड डाउट्स पूछ सकते हो, डाउट है फ्रॉम 8 AM टू 11 PM, 10 फुल सिलेबस 10 पार्ट सिलेबस के टेस्ट होंगे, आपको अमेजिंग ट्रिक्स एंड टिप्स बताए जाएंगे जिसके थ्रू आप नीड को बहुत ईजिली क्रैक कर सकते हो, और आपको 2-way इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म पर पढ़ाया जाएगा जहाँ आप भी टीचर से इंटरेक्ट कर सकते हो। तो आपके जो नए बैच है वो 7th of June को से स्टार्ट हो रहे हैं और 16th of August तक चलेगा। 120 लाइव सेशंस होंगे इसमें। इनफिनिट आपका कूपन कोड है, एनरोल नाउ बच्चे। और न्यू ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, अगर अभी तक आपने उसे ज्वाइन नहीं किया तो उसे ज्वाइन कर लो, क्योंकि क्लास रिलेटेड PDF नोट्स आपको वहीं मिलेंगे। एंड ऑल्सो द चांस दैट यू कैन विन द वेदांतु टी शर्ट। और ये आज का सेशन डिटेल है, सुबह 7 बजे आप मेरे साथ हो। इसके बाद जस्ट 7:45 पे हमारा सेशन होगा केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री का सेशन है 10 कदम। इसमें हम आज अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स के मेंटी करने वाले हैं, ठीक है। एंड 8:45 पे रजनी मैम का सेशन है, 10 बजे विनय सर का सेशन है, 1 बजे रजनी मैम का सेशन है, 2:40 पे भूमिका मैम का सेशन है, 4 बजे सचिन सर का सेशन है, 5:30 पे सचिन सर का सेशन है, 7 बजे मीनाक्षी मैम का सेशन है, 8 बजे पीयूष सर का सेशन है, 9:15 पे मेरा केमिस्ट्री का डेली डोज, और आज का जो नेम रिएक्शन है आपका विलियमसन सिंथेसिस, और 11 बजे अरविंद सर का सेशन है। तो ये आज का सेशन डिटेल, तो ये आज का मेंटी कोड है बच्चे 7428 8820। तो जल्दी जल्दी www.menti.com पे जाओ, कोड लगाओ और फिर तैयार हो जाओ मेरे साथ मेंटी खेलने के लिए। चलो फिर हम सेशन में प्रोसीड करें, मेंटी में प्रोसीड करें, जल्दी जल्दी मेंटी ज्वाइन कर लो। क्या हुआ? ओके, जल्दी जल्दी मेंटी ज्वाइन कर लो बच्चे, www.menti.com पे जाओ, कोड लगाओ, डेट इज 7428 8820। रेडी हो? बिल्कुल ज्वाइन हो गए? नहीं बच्चे, यहाँ तो बस अभी 30 बच्चे दिख रहे हैं। जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लो, कोड है 7428 8820। ओके, www.menti.com पे जाओ, कोड लगाओ, डेट इज 7428 8820। ओके, तो आई एम गुड। हरकेश आप बताओ कैसे हो? तो तैयार हो बच्चे? मैं बताती हूँ मेंटी कैसे होगा। हमारे 3 राउंड में मेंटी होंगे। पहले राउंड हर 3 क्वेश्चन के बाद जो होगा आपको लीडर बोर्ड देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको 3 बार लीडर बोर्ड देखने को मिलेगा, ठीक है। और हर राउंड में हमें देखने को मिलेगा कि कौन बच्चे टॉप पे है, कौन बच्चे लीडर बोर्ड पे अपने पोजिशन को मेंटेन किया, और लास्ट में जो होंगे, लास्ट में जो भी आपके लीडर बोर्ड पे पोजिशन मेंटेन करेगा, जो भी बच्चा एंड जो 10 बच्चे एंड वो बच्चा जो कि टॉप करेगा लीडर बोर्ड पे, वही विनर होगा, ठीक है, सेशन का। तो इस तरीके से है। ओके, स्टार्ट करें क्या? ओके, स्टार्ट करें, जल्दी से बताओ स्टार्ट करें क्या। जल्दी से एक बार फिर से मैं बता देती हूँ, www.menti.com पे जाओ, कोड लगाओ, डेट इज 7428 8820। स्टार्ट करते हैं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर सेशन। तो चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं सेशन। सारे बच्चे तैयार है, पर लिख के बता दो बच्चे, आप लोग रेडी हो? प्राची, वैष्णवी, चितांशु, आर्या, मंचीत, ओके, एसएस क्रिएशन, नीलम, विकास, अजय, अनमोल, गुड मॉर्निंग बच्चे, प्रियांशु, हरकेश, डॉक्टर नितीश, क्यों क्या हो गया बच्चे, सोनल, आराध्या, विकास, चितांशु, प्रियांशु, डॉक्टर नितीश, मुस्कान, चलो फिर फुल रेडी, लिंपी शर्मा तो फुल रेडी है, ओके, रोशन पवारा, मानसी, कांता, ओके, रोशन मांडले, सारे बच्चे रेडी है। तो चलो फिर अब स्टार्ट करते हैं सेशन। तो पहले राउंड में हम प्रोसीड करते हैं, देखते हैं पहले, तो पहले राउंड में कौन अपने पोजीशन को बनाता है लीडर बोर्ड पे। मोस्ट ऑफ द केसेस में वही बच्चे होते हैं टॉप पे अगर उन्होंने पहले राउंड में अपने पोजीशन को बनाया है। तो पहले राउंड में देखते हैं क्या होता है। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आज के सेशन के लिए, द कंपाउंड विच डज नॉट एग्जिस्ट एज हाइड्रेट फॉर्म, ठीक है। तो जो ऐसे कंपाउंड जो कि आपका हाइड्रेट फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, वो
कौन सा कंपाउंड है। मैं आपको ऑप्शन में बता देती हूँ, फेरस सल्फेट पहला ऑप्शन है, दूसरा कॉपर सल्फेट, तीसरा मैग्नीशियम सल्फेट एंड चौथा है सोडियम क्लोराइड। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है आपका? ए ऑप्शन फेरस सल्फेट, बी कॉपर सल्फेट, सी मैग्नीशियम सल्फेट एंड डी सोडियम क्लोराइड। ओके, ये जो चैट में जो आंसर्स आ रहे हैं इस पे कोई बच्चा ट्रस्ट नहीं करेगा। ओके, तो 42 बच्चों ने बिल्कुल सही बताया है, सोडियम क्लोराइड जो होते हैं वो हाइड्रेट के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, बाकी सारे जो होंगे आपके हाइड्रेट के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, तो देखो देखो फेरस सल्फेट FeSO4.7H2O इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O तो ये भी आपके हाइड्रेट के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, एंड मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4.7H2O एंड ये भी आपके हाइड्रेट के फॉर्म में कर रहा है, सोडियम क्लोराइड नहीं करता है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम प्रोसीड करते हैं, सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पहले राउंड का। ओ, ये पहले क्वेश्चन पे ही लीडर बोर्ड कहाँ से आ गया? ये तो पहले क्वेश्चन पे ही लीडर बोर्ड है बच्चे, देखो। अच्छा, पहले क्वेश्चन पे, ओके, तो देखते हैं हम लीडर बोर्ड पहले क्वेश्चन के बाद ही आज है लीडर बोर्ड आपका। तो ये बच्चे हैं, बच्चे अपना नाम चेंज कर लो, जल्दी से अपना नाम चेंज कर लो। ठीक है, ये पहले क्वेश्चन के बाद लीडर बोर्ड है, तो आप अपना नाम जल्दी से चेंज कर लो। विक्रम फास्टेस्ट है एंड टॉप पे है विद 789 पॉइंट्स। ठीक है, सेकंड पे द हसलर है, थर्ड पे ईशा है, फोर्थ पे अतुल है, फिफ्थ पे होला होप, सिक्स पे पुगी, सेवेंथ पे वैष्णवी, एट पे वॉटसन, नाइन्थ पे एल्सा एंड टेंथ पे फ्रॉस्टी। तो ये सारे बच्चे हैं जो कि लीडर बोर्ड पे हैं। बच्चे जल्दी से अपना नेम चेंज करो, अपना रियल नेम लिखो, जिससे मुझे भी पता चले कि कौन कौन बच्चे हैं जो कि लीडर बोर्ड पे हैं। ठीक है, तो जल्दी से लीडर बोर्ड पे जल्दी से नेम चेंज कर लो और बताओ चैट सेक्शन में आपने कर लिया क्या। ओके, अपने रियल नेम से ज्वाइन करो, कर लिया बच्चे? ओके, कर लिया है आपने नेम चेंज, एक बार चैट सेक्शन में लिख के बता दो। ओके, एक बार चैट सेक्शन में सारे लिख के बता दो आपने कर लिया। ओके, कर लिया ना? हरकेश, प्रिंस, नीलम, मृदुल, शुभम, अतुल, आई एम गुड बच्चे, आप बताओ कैसे हो? ओके, चलो फिर डिम्पी, हम मैम 15th पोजीशन, बच्चे आओ फिर लीडर बोर्ड पे, 15th पोजीशन पे है, तो सारे बच्चे कोशिश करो कि आप लीडर बोर्ड पे आओ, एक दूसरे को रिप्लेस करो। ओके, टफ कॉम्पिटिशन तो एक दूसरे को, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आई गेस कि बच्चों ने लिख लिया है अपना नेम, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं आज के सेशन के लिए। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आज के सेशन में। ओके, तो आयोडीन ऑक्सीडाइजेस सोडियम बोरोहाइड्राइड टू गिव, तो आयोडीन जो है वो सोडियम बोरोहाइड्राइड को किस चीज में ऑक्सीडाइज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला है B6H6 पहला ऑप्शन, दूसरा है सोडियम हाइड्राइड, तीसरा ऑप्शन है HI एंड चौथा ऑप्शन है I3-। ठीक है, ओके, ये जो चैट सेक्शन वाले लोग हैं ए आंसर बता रहे हैं, बी आंसर भी बता रहे हैं, अभी सी भी बताएंगे, तो आप चैट सेक्शन को मत देखना। ओके, तो 44 बच्चों ने बिल्कुल सही किया है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, B6H6 ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे हुआ है। तो देखो बच्चे, आयोडीन ऑक्सीडाइजेस सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है, सोडियम बोरोहाइड्राइड को आयोडीन ऑक्सीडाइज करता है किसमें, B2H6 में। ठीक है, ओके, डिक्लाइम के प्रेजेंस में हम करते हैं ये रिएक्शन, तो यहाँ पे NaBH4 जो है उसे I2 मतलब, ठीक है बच्चे, जो है आपका आयोडीन जो है वो ऑक्सीडाइज करेगा सोडियम बोरोहाइड्राइड को B2H6 में। ठीक है, तो B2H6 आपका करेक्ट आंसर है और आपका Na+H2 बाकी प्रोडक्ट्स है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन आते हैं। कोई बात नहीं डिम्पी शर्मा, चलो फिर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे,
हाँ बिल्कुल एडमी B2H6 ही है करेक्ट आंसर। PCl3 ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स फ्यूम्स ऑफ, ठीक है, PCl3 को जब हाइड्रोलिसिस करते हो तो फ्यूम्स, किसका फ्यूम देता है वो? हाँ तो PCl3 हाइड्रोलिसिस पे किसका फ्यूम देगा, जल्दी से बताओ। ओके चार सेक्शन में तो ए आंसर आ रहा है, लेकिन पता नहीं वो करेक्ट है कि नहीं। अच्छा तो पहला जो यहाँ पे ऑप्शन, टाइम्स अप हो गया है वैसे, तो 57 बच्चों ने करेक्ट बताया है, करेक्ट आंसर बताया है H3PO3+HCl, ठीक है। PCl3 हाइड्रोलिसिस पे आपको H3PO3 और HCl देता है, ठीक है। तो ये है आपका करेक्ट आंसर, ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। और बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट किया है, ठीक है। हाइड्रोलिसिस में PCl3 जो होगा वो आपका H3PO3+ जो है HCl देता है, ठीक है, फॉस्फोरस एसिड बनाएगा, ठीक और HCl देगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके मेंटी साथ नहीं दे रहा, लीडर बोर्ड आ गया बच्चे, लीडर बोर्ड आ गया इस बार, शायद इस बार रियल नेम है बच्चों का, देखते हैं। ओके विक्रम ने अपने पोजीशन को बिल्कुल बनाए हुए हैं, विक्रम फास्टेस्ट है एंड टॉप पे है विद 2985 पॉइंट्स, ठीक है। तो मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन, फर्स्ट राउंड में विक्रम टॉप पे है एंड सेकंड पोजीशन है मृदुल का। ओके थर्ड पोजीशन सरगुन, फोर्थ पोजीशन वैष्णवी, फिफ्थ मंजीत, सिक्स्थ चेतांशु, सेवन्थ ईशा, एट्थ रोटी, रोटी ये नाम है या फिर आपको भूख लगी है बच्चे, ये नाम है या फिर आपको भूख लगी है ये बताना पहले, है ना। ओके सुबह सुबह भूख लगी है, इतनी ज्यादा भूख लग गई है कि लीडर बोर्ड पे अपना नाम रोटी रख लिया, है ना। एट्थ रोटी है, नाइन्थ ऋषि एंड सिक्स्थ आराध्या, है ना। ओके कौन, रस्टी, रस्टी रोटी है। अच्छा रस्टी आप खाना खाना सुबह सुबह खा लिया करो, नहीं तो फिर इसी तरीके से चैट से आप ये लीडर बोर्ड पे अपना नाम रोटी सब्जी पता नहीं फिर क्या क्या लिखोगे, गाजर का हलवा एंड ऑल सारे नींद में, है ना। तो चलो फिर तो ओके तो विक्रम टॉप पे है एंड बाकी ये सारे बच्चे इन्होंने अपने पोजीशन को लीडर बोर्ड पे बनाया है। चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं सेकेंड राउंड पे। ओके नेक्स्ट सेकेंड राउंड के क्वेश्चन पे आते हैं। ओके फोर्थ क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। ओके द प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन ऑफ I2 विद H2O2 इन बेसिक मीडियम, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ I2 विद H2O2 इन बेसिक मीडियम, ठीक है। तो बताना है आपको, प्रोडक्ट बताना है, जल्दी से बताओ। ओके प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ I2 विद H2O2 इन बेसिक मीडियम, क्या प्रोडक्ट होगा? पहला ऑप्शन आपका I- है, दूसरा I2O3, तीसरा IO3- एंड चौथा I3-। तो ये सारे ऑप्शन है आपके, चार सेक्शन में क्या क्या आ रहे हैं, ABCD सारे ऑप्शन आ रहे हैं तो इतने कम बच्चों ने सही किया, 17 बच्चों ने सही किया है, I- बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो देखते हैं कैसे है, ठीक है बच्चे। तो ये रिएक्शन है सिंपली, I2 को आप H2O2 के साथ ट्रीट करोगे इन बेसिक मीडियम, तो आपको I- मिलेगा प्लस H2O+O2, ठीक है, I- H2O एंड O2 ये आपको मिलेगा। तो जो करेक्ट आंसर है वो आपका I- है, ठीक है, I- आपको प्रोडक्ट मिल रहा है जब आप ट्रीट कर रहे हो I2 को H2O2 इन बेसिक मीडियम। तो ये है आपका, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आज के सेशन के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमैग्नेटिक, इनमें से कौन सा आपका डायमैग्नेटिक है, तो ये क्वेश्चन है आपका। जल्दी से पहले तो निकालो सबके मैग्नेटिक, देख लो कितना नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है या फिर पेयर्ड है। ओके ओके तो 11 सेकेंड लेफ्ट, 10 सेकेंड, 9 सेकेंड, 8 सेकेंड एंड 3 सेकेंड, 2, 1 एंड योर टाइम्स अप। तो कितने बच्चों ने सही किया है क्वेश्चन,
बस 10 बच्चों ने, बाकी देखो या तो उनको भूख लगी है या तो वो नींद में है। 38 बच्चों ने गलत कर दिया एंड 18, पहला ऑप्शन जो है वो 18 बच्चों ने किया वो भी गलत है, दूसरा ऑप्शन 38 बच्चों ने किया वो भी गलत है, और फोर्थ ऑप्शन 14 बच्चों ने किया वो भी गलत है, बस 10 बच्चों ने सही किया है। तो देखते हैं कितने बच्चों का गलत कैसे हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टायर मैग्नेटिक, ठीक है, तो करेक्ट आपसे करेक्ट आंसर आपका पीटी स्केल 4 2- है, ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, देखो बच्चे हम क्या करेंगे, हम आपको पता ही है डायमैग्नेटिक कौन किसे हम कहेंगे, जहां पे सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो पेयर्ड होंगे, एंड पैरामैग्नेटिक जिसमें कि आपके एक भी इलेक्ट्रॉन्स अगर अनपेयर्ड है। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं हम CuNH3 4 2+ से। ठीक है, सबसे पहले देखो कॉपर का क्या होता है, अगर कॉपर न्यूट्रल है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगा, 4s1 3d10 है ना बच्चे, और सिंस यहाँ पे 2+, अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट देख लो, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, कॉपर का x मान लो एंड NH3 आपका न्यूट्रल लिगेंड है, 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x+0 × 4 = चार्ज क्या है आपका +2। ठीक है, +2, तो x = +2, तो कॉपर पे कितना चार्ज है आपका +2, तो +2 चार्ज मतलब दो इलेक्ट्रॉन निकला है ये न्यूट्रल वाले से, न्यूट्रल का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, क्या हो जाएगा 3d9 4s0। ठीक है, 3d9 4s0 इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो जाएगा, मतलब कि 9 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है आपके, तो देखो 9 इलेक्ट्रॉन में से आपका क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन जो होता है आपका, देखो NH3 जो है आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम करेगा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम करेगा कॉपर के साथ, तो पहले आप क्या करो 9 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे वो कहाँ चला जाएगा, पी ऑर्बिटल में चला जाता है वो, ठीक है, पी ऑर्बिटल में, तो बाकी आपके एक इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे कॉपर के केस में आपका ये पी ऑर्बिटल में चला जाता है, तो बचे आपका कितना, आपका जो है एक, देखो सारे पेयर्ड है और एक आपका डी में क्या है, एक आपका 3d में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बच गए, मतलब सॉरी एक आपका वैकेंट ऑर्बिटल बच गया, 1 2 3 4, एक यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल बच गया, ये आपका 3d है, ये आपका 4s है एंड ये आपका हो गया 4p, इसमें कि एक इलेक्ट्रॉन 4p में प्रेजेंट है, तो आपको क्या है NH चार लिगेंड प्रेजेंट है, चार लिगेंड को अपने इलेक्ट्रॉन्स देने हैं वैकेंट ऑर्बिटल में, तो कहाँ देगा, एक NH3 यहाँ देगा, दूसरा NH3 इधर, तीसरा इधर एंड चौथा इधर, ठीक है, इस तरीके से, मतलब चार वैकेंट ऑर्बिटल में उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे दिए, क्या हो गया हाइब्रिडाइजेशन, क्या हो जाएगा dsp2, ठीक है, dsp2 आपका हाइब्रिडाइजेशन हो गया, ठीक है, dsp2 आपका हाइब्रिडाइजेशन हो गया, ठीक है बच्चे, dsp2 आपका हाइब्रिडाइजेशन हो गया, स्क्वायर पेयर है, ठीक है, तो पहला तो जो है उसमें सारे पेयर्ड है, तो ये आपका डायमैग्नेटिक है, ठीक है, नहीं सॉरी सारे पेयर्ड नहीं है, एक आपका पी में जो अनपेयर्ड प्रेजेंट है, इस रीजन से क्या हुआ, ये आपका पैरामैग्नेटिक हो गया, पहला आपका पैरामैग्नेटिक हो गया, ठीक है, दूसरा देखते हैं, अब देखो दूसरा क्या है आपका, दूसरा आपका CuNH3 4 2, दूसरा कौन सा NiCl 4 2-, जिसको ज्यादातर बच्चों ने सही बताया था, पता नहीं क्यों सही बताया था, जबकि आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जो लिगेंड प्रेजेंट है वो कौन सा लिगेंड है आपका, वीक लिगेंड है, ठीक है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो दूसरा ऑप्शन क्या था, ढंग से दिख रहा है NiCl 4 2-, NiCl 4 2-, देखो पहले सबसे पहले जब आपको कोई कॉम्प्लेक्स मिले तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करो, ठीक है बच्चे, तो x मान लो Cl का क्या हो जाएगा आपका, Cl आपका नेगेटिव लिगेंड है, -1 हो जाएगा, x+4 Cl हर एक आपका -1 है ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब चार्ज, तो ये इक्वल टू आपका -2 ओवरऑल चार्ज है, x-4 = -2, x = -2 + 4 x = +2, ठीक है, तो निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट आपका +2 है, न्यूट्रल निकल की अगर हम बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की बात करें तो क्या होता है 4s2 3d8, 2+ चार्ज है इसके ऊपर, तो मतलब क्या हो जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे कहां से, पहले 4s से निकलता है, 3d8 4s0 हो जाएगा, तो मतलब 8 इलेक्ट्रॉन आपको फिल करना है, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन फिल करना है, 8 इलेक्ट्रॉन आपने फिल कर दिया डी में, ठीक है बच्चे, डी में 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया, 1 2 3 4 5, ठीक है, एंड
6, 7, 8। अब देखो, अब हम नेक्स्ट हमारा क्या स्टेप होगा ये देखना कि पेयरिंग हो सकती है कि नहीं हो सकती है। उसके लिए हम क्या देखेंगे कि लिगेंड आपका कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड है या फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो सीएल हैलोजन जो आपके होते हैं वो आपके वीक फील्ड लिगेंड होते हैं, वीक फील्ड लिगेंड, वो पेयरिंग जो है ठीक है वो पेयरिंग नहीं करवाएंगे, नो पेयरिंग, ठीक है, नो पेयरिंग, पेयरिंग नहीं होगा। जब पेयरिंग नहीं होगा आपका बच्चे तो उसके पास तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहेगा ही ना, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होगा, है कि नहीं। तो ये भी आपका कैसा हो गया, पैरामैग्नेटिक हो गया, पैरामैग्नेटिक नेचर का हो गया, है कि नहीं। तो ये आप जो लिगेंड्स अपने जो चार्ड लिगेंड है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स कहाँ देगा, बाहर वाले वैकेंट ऑर्बिटल है, मतलब कि 4s and 4p में, है ना, और sp3 आपका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, है कि नहीं। ओके, अब है हमारा नेक्स्ट, कौन सा है हमारा नेक्स्ट, हमारा जो है देखो CuH2O4+ जो है उसका भी सेम रीजन होगा जो हमने जो आपका किसका है, मतलब कि अब H2 आपका वीक फील्ड लिगेंड होता है, वीक फील्ड लिगेंड, ठीक है, H2 आपका वीक फील्ड लिगेंड है। पहले एक मिनट, ये देखो नेक्स्ट है हमारा CuH2O, मतलब डी ऑप्शन, ये हमारा डी ऑप्शन क्या था, CuH2O4+, CuH2O4, CuH2O4, और ये आपका क्या है, आपका 2+ है। अब देखो कॉपर यहाँ पर अगेन हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे इसका, x मान लो ये न्यूट्रल लिगेंड है, 0 हो जाएगा, तो x+4 × 0 = हो गया +2, चार्ज किया आपका +2 = +2 हो गया, x+0 = +2, x = हो गया आपका +2, मतलब कॉपर के ऊपर कितना चार्ज है, +2, ठीक है। अगर हम न्यूट्रल कॉपर की बात करें तो उसका बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 4s1 3d10। अगर हम Cu2+ कॉपर Cu2+ की बात करें तो क्या होगा इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे कहाँ से, पहले 4s से फिर 3d से, मतलब 3d9, 4s0, है ना बच्चे। अब 9 इलेक्ट्रॉन्स आपको फिल करना है, 9 इलेक्ट्रॉन्स आपको d में फिल करना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये आपका 3d हो गया, ये आपका 4s हो गया, ये आपका 4p हो गया, 4p हो गया। अब देखो क्या है, आपका लिगेंड तो आपका वीक फील्ड लिगेंड है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है जो कि आपका 4p में चला जाएगा अभी, ठीक है, ये 4p में चला जाएगा, एंड जो है आपका वन मिनट, तो ये जो है आपका इसमें पेयरिंग नहीं होगी, इसमें पेयरिंग नहीं होगी, और चार चार जो आपके H2O है, ठीक है, चार जो आपके H2O है वो आपके इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे देंगे, वैकेंट वैकेंट ऑर्बिटल में, ठीक है, जो वैकेंट ऑर्बिटल जो बाहर के हैं उसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स देंगे, ठीक है बच्चे, वैकेंट ऑर्बिटल में देंगे, ठीक है। वन मिनट, ये क्या हुआ, तो H2O के केस में आपकी पेयरिंग नहीं होगी क्योंकि H2O आपका वीक फील्ड लिगेंड है, और ये आपके बाहर के ऑर्बिटल में आपके क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन को देंगे, ठीक है, और आपका बस फिर बचा आपका, फिर आपका PtCl4-2-, तो देखो बच्चे कोई भी जो आपके जो 3D सीरीज है ना उसी में आप लिगेंड का स्ट्रेंथ देखते हो, ठीक है, 3D सीरीज में ही बस आप लिगेंड का स्ट्रेंथ देखते हो कि लिगेंड आपका वीक फील्ड लिगेंड है या फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, बाकी जो भी आपके 4D एंड 5D सीरीज होते हैं ना उसमें चाहे कोई भी लिगेंड हो तो आपका क्या होता है कि आपका जो है वो डायमैग्नेटिक ही होता है, ठीक है, वहां पे पेयरिंग हो जाएगी, पेयरिंग हो जाता है, और इस रीजन से आपका मतलब पेयरिंग हो जाएगा वहां पे, ठीक है बच्चे, तो इस तरीके से आपका क्या होगा कि PtCl4 जो होता है आपका डायमैग्नेटिक होगा, PtCl4-2- आपका डायमैग्नेटिक होगा। यहाँ पे लिगेंड तो आपका वीक है, Cl आपका वीक फील्ड लिगेंड है, लेकिन जो भी आपके 4D और 5D ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स होंगे तो उस केस में आप लिगेंड का स्ट्रेंथ नहीं देखते हो, ठीक है, वो हमेशा जो होते हैं वो पेयरिंग करवाएंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, सिक्स्थ क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, हाउ मच अमाउंट ऑफ CuSO4.5H2O इज रिक्वायर्ड फॉर लिबरेशन ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ I2 व्हेन टाइट्रेटेड विद KI, ठीक है, तो कितना अमाउंट ऑफ CuSO4.5H2O रिक्वायर्ड है फॉर द लिबरेशन ऑफ 2.54 ग्राम ऑफ I2 व्हेन टाइट्रेटेड विद KI,
2.5 ग्राम पहला ऑप्शन है आपका, 4.99 ग्राम दूसरा ऑप्शन है, तीसरा है 2.4 ग्राम एंड चौथा है आपका 1.2 ग्राम। तो चैट सेक्शन में क्या आ रहा है, ऋषि ए बता रहा है, प्रिंस डी, वैष्णवी बी, सारे गलत बता रहे हैं। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 4.99 ग्राम जो है वो करेक्ट आंसर है। 37 बच्चों ने सही किया है, इसे देखते हैं कैसे है। ठीक है, 37 बच्चों ने सही किया है, देखते हैं कैसे है। तो बी ऑप्शन 4.98। अब देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले तो आप ये रिएक्शन है इसके लिए, ठीक है, ये रिएक्शन है, क्या है आपका, CuSO4.5H2 इज रिक्वायर्ड फॉर द लिबरेशन ऑफ 2.54 ग्राम ऑफ I2 व्हेन ट्रीटेड विद Ki। तो पहले Ki के साथ रिएक्शन करवा दो, Ki के साथ रिएक्शन करवाया तो Cu2I2 प्लस K2SO4 प्लस I2 प्लस 10 मोल्स ऑफ H2 ये आपका रिलीज हुआ, ठीक है। तो बैलेंस कर लो पहले सारे जो इक्वेशन है आपको। अब देखो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ I2 कितना है, 254 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CuSO4.5H2O तो निकाल लो मॉलिक्यूलर वेट, आपका 499 ग्राम हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है कि ये कितना, इसका 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 मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा I2 का, 254 ग्राम। तो 254 ग्राम ऑफ I2 जो है आपका 499 ग्राम ऑफ CuSO4.5H2O से निकलेगा, ठीक है बच्चे। तो 499 इसका कितना आया है मॉलिक्यूलर वेट, 499 ग्राम आया ना, 499 499 ग्राम आया है, और इसका कितना है 254 ग्राम। तो 254 ग्राम ऑफ I2 जो है आपको किससे मिला, 499 ग्राम ऑफ CuSO4 से। तो 1 ग्राम 254 ग्राम जो है वो किससे मिल रहा है आपको, 254 ग्राम ऑफ I2 अगर आपको किससे मिल रहा है, 499 ग्राम ऑफ जो आपका CuSO4 है, ठीक है, जो आपका CuSO4 मैं बस CuSO4 लिख रही हूँ, बाकी पूरा है आपका .5H2O, ठीक है .5। आप देखो 1 ग्राम जो है वो कितने से मिलेगा, 499 अपॉन 254, और फिर आपसे पूछ रहा था 2.54 ग्राम कितने से मिलेगा, तो 2.54 ग्राम कितने से मिलेगा, मल्टीप्लाई कर दोगे उसे 2.5 से, 2.54 ग्राम कितने से मिलेगा तो उसे मल्टीप्लाई कर दोगे, यूनिटरी मेथड है, ठीक है बच्चे, यूनिटरी मेथड है, आपको 4.99 मिल जाएगा, ठीक है। मतलब देखो 2.54 ग्राम ऑफ I2 अगर आपको 499 ग्राम ऑफ CuSO4 जो है आपका 0.5H2O से मिल रहा है, ठीक है। अब तो 1 ग्राम कितने से मिलेगा, तो 499 अपॉन 254, और फिर आपका 2.54 ग्राम कितने से आया मिलेगा, तो बस उसको 2.54 से मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना, क्लियर है सबको, ओके आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका सिंपली यूनिटरी मेथड था बच्ची, ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। पहले लीडर बोर्ड देख लेते हैं हम, ओके लीडर बोर्ड देख लेते हैं क्या चेंजेस आए हैं लीडर बोर्ड पे। ओके तो विक्रम अभी भी फर्स्ट पोजीशन पे मेंटेन्ड है, सेकंड मृदुल है एंड थर्ड सार्थक है, फोर्थ ओपी है, ओपी फास्टेस्ट भी है, फिफ्थ डॉक्टर प्रिंस है, सिक्स्थ वैष्णवी, सेवंथ मंजीत, एट सौंदर्यजिया, अच्छा सौंदर्यजिया आ गई, एंड नाइन्थ चितांशु और टेंथ है एस शर्मा, तो एस शर्मा भी आ गया है लीडर बोर्ड पे। तो चलो फिर, तो ये सारे बच्चे हमारे हैं जो कि लीडर बोर्ड पे आ चुके हैं, मतलब लीडर बोर्ड को रूल कर रहे हैं। विक्रम फास्टेस्ट है, विक्रम ने अपने पोजीशन को बिल्कुल चेंज नहीं किया है अभी तक, होने नहीं दिया है चेंज, तो देखते हैं लास्ट तक विक्रम होगा या फिर विक्रम को किसी ने कोई रिप्लेस कर देगा। ओके चलो फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, सेवेंथ क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आज के सेशन के लिए। क्या क्वेश्चन है, शॉर्ट की डिफेक्ट है, शॉर्ट की डिफेक्ट क्या होती है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, तो सारे को कर देना चाहिए, है ना, शॉर्ट की डिफेक्ट क्या होता है, ये तो सारे बच्चों को आना चाहिए क्वेश्चन। सिक्सटीन सेकेंड लेफ्ट, 15, 14, 13, 12, 11, ओके तो शॉर्ट की डिफेक्ट क्या होता है एंड योर टाइम सब, तो देखते हैं कितने बच्चों ने सही किया है।
24 बच्चों ने सही किया है, तो ये आपका वैकेंसी ऑफ आयंस होता है, ऑब्वियसली बात है इसमें क्या होता है, वन, सॉरी सॉरी सॉरी, ये आपका क्या होता है, वैकेंसी ऑफ आयंस होता है, इसमें क्या होता है आपका जो है, इसमें क्या होता है, इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस जो होते हैं अपने साइड को छोड़ के, ठीक है, कहीं और चले जाते हैं, जिसके कारण आपका वैकेंसी क्रिएट होता है, ठीक है बच्चे। और सिंस यहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस अपने साइड को छोड़ते हैं, इसलिए आपका इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ठीक है बच्चे, तो ये इस रीजन से हो रहा है, तो ये आपका क्या है, वैकेंसी ऑफ आयंस के कारण होता है, ठीक है, वैकेंसी ऑफ आयंस। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, एथ क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आज के सेशन के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थर्मोडायनेमिक फंक्शन, इनमें से कौन सा आपका थर्मोडायनेमिक फंक्शन नहीं है, तो जल्दी से बताओ इनमें से कौन सा आपका थर्मोडायनेमिक फंक्शन नहीं है। एंथैल्पी वर्क डन गिव्स गिव्स एनर्जी इंटरनल एनर्जी, तो इनमें से कौन सा आपका थर्मोडायनेमिक फंक्शन नहीं है, चैट सेक्शन में क्या आ रहा है, बी आ रहा है, चैट सेक्शन मत देखना कोई भी, ओके। तो ओके, तो बी वैसे बिल्कुल सही है, वर्क डन आपका क्या है, वो आपका थर्मोडायनेमिक फंक्शन ही है, वो आपका क्या है, देखो एक होता है स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन जो है आपका इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है ना बच्चे, तो मैं दिख रही हूँ बच्चे आप लोगों को, जल्दी से बताओ मैं दिख रही हूँ, मैं दिख रही हूँ क्या, हेलो एवरीवन, मैं दिख रही हूँ क्या, ओके ठीक है, चलो फिर, कुछ इश्यू हो गया था बीच में, लैग ऑन लग गया था, हाँ मेंटी पे थे, तो 33 बच्चों ने सही किया है, वर्क डन जो है वो आपका थर्मोडायनेमिक फंक्शन नहीं है, ओके, वो पाथ फंक्शन होता है, वो स्टेट फंक्शन नहीं होता है, ठीक है बच्चे, वो स्टेट फंक्शन नहीं होता है, वो आपके जो स्टेट फंक्शन क्या होते हैं, जो इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन पर डिपेंड करते हैं, ठीक है, और बीच जो कौन से रूट से गया है उस पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है, और लेकिन वर्क डन जो है आपका स्टेट फंक्शन नहीं होता है, ठीक है, तो ये आपका स्टेट फंक्शन नहीं है, ये आपका पाथ फंक्शन है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आज के सेशन के लिए। फाइंड द नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स ऑफ 1 टू डाइहाइड्रोक्सीसाइक्लोपेंटेन, ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स ऑफ 1 टू डाइहाइड्रोक्सीसाइक्लोपेंटेन, ओके, तो नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स आपको बताना है 1 टू डाइहाइड्रोक्सीसाइक्लोपेंटेन का, चैट सेक्शन में सी, मृदुल 3, प्रिंस 2, ओके, राजेंद्र 3, रिया राजपूत सी, शुभम 2, देखते हैं करेक्ट किसने बताया है, तो करेक्ट, ओके, तो ये 3 ऑप्शन बिल्कुल, जो सी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है, 24 बच्चों ने बिल्कुल सही बताया है, तो इसमें देखते हैं करेक्ट, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टीरियोआइसोमर्स 1 टू डाइहाइड्रोक्सीसाइक्लोपेंटेन, ठीक है, तो 3 होगा, 3 रीजन, देखो बच्चे, देखो पहले तो हम नंबर ऑफ कायरल कार्बन निकालेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ कायरल कार्बन हम निकालेंगे इसमें, तो कायरल कार्बन कितने हैं इसमें, तो कायरल कार्बन मतलब जिसमें चारों जो ग्रुप अटैच्ड है वो डिफरेंट है, तो इस कार्बन को देखो आप, चारों जो ग्रुप इससे अटैच्ड है, ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप, ठीक है, ये जो OH है वो अलग है, ये इधर वाला ग्रुप अलग है, एक हाइड्रोजन अटैच्ड है, चौथा ग्रुप हाइड्रोजन है वो भी अलग है, इसी तरीके से इसमें OH ये एक ग्रुप है, दूसरा आपका ये है दूसरा ग्रुप, ये आपका पहला,
फिर आपका ये तीसरा हो गया और चौथा आपका इसमें भी हाइड्रोजन है, मतलब चारों ग्रुप जो अटैच्ड है वो डिफरेंट है। तो ये दोनों जो कार्बन है आपका वो कैसा है, कायरल है, ठीक है। दो यहाँ पे कायरल कार्बन है, तो कायरल कार्बन का नंबर क्या हो गया, इवन हो गया। तो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स इस केस में कितने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2n-1 + 2n/2-1, ठीक है, जहाँ पे एन आपका नंबर ऑफ कायरल कार्बन हो गया, ठीक है, नंबर ऑफ कायरल कार्बन हो गया। तो उसमें आप नंबर ऑफ कायरल कार्बन आपको 2 आया है, ठीक है, एन जो एन की वैल्यू है वो 2 आया है, तो बस वहां पे वैल्यू प्लेस कर दो, आपको 3 आ जाएगा, ठीक है, वैल्यू प्लेस कर दो। ये फॉर्मूला में आपको वैल्यू प्लेस करना है, 2n-1 + 2n/2-1, यहाँ पे आपका नंबर ऑफ कायरल कार्बन 2 आया जो कि इवन है, उसके लिए आपका फॉर्मूला है, ठीक है। ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आज के सेशन के लिए, 10th क्वेश्चन क्या है, 10th क्वेश्चन, द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन पेन टू इन फोराइन। तो जल्दी से आप नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड कैलकुलेट कर लो, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हमें फाइनल लीडर बोर्ड देखने को मिलेगा आज के सेशन के लिए, ठीक है। ओके, तो 14 सेकेंड, 13 सेकेंड लेफ्ट है, ओके, 8 सेकेंड, 7 सेकेंड, 6, 5, एंड योर टाइम सर। तो देखते हैं कितने बच्चों ने सही किया है, 29 बच्चों ने बिल्कुल सही किया है। तो 10 सिग्मा बॉन्ड है एंड 3 पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट है, ठीक है, 10 सिग्मा बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट है, तो बस कैलकुलेट करना था आपको नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। तो ए आपका करेक्ट आंसर है, देखो बस इसको बॉन्ड को एक्सटेंड करके आप बना लो पहले स्ट्रक्चर, सिंगल बॉन्ड है मतलब सिग्मा, डबल बॉन्ड है मतलब एक पाई होगा और एक सिग्मा बॉन्ड होगा, ठीक है, एक पाई है एंड सिग्मा बॉन्ड है। तो इसी तरीके से यहाँ पे देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये आपका पाई हो गया, पाई बॉन्ड, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये आप 8, 9, 10, ठीक है, 10 आपका क्या है, सिग्मा है। पाई कितने हो गए आपके, पाई कितने हो गए, एक मिनट, अच्छा ये ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, सॉरी ये सी ट्रिपल बॉन्ड सी है ना, ये सी ट्रिपल बॉन्ड सी है, तो अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 पाई होंगे ऊपर नीचे एंड बीच में आपका 1 सिग्मा होगा, तो यहाँ 2 पाई, यहाँ पे बीच में 1 सिग्मा था और ये 1 पाई ये है, तो इस तरीके से 3 पाई हो गए। तो ये हमारे समझ आ गया सबको ये कैसे हुआ, ठीक है, अगर देखो सिंगल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा, ठीक है, डबल बॉन्ड है तो 1 पाई होगा, 1 सिग्मा, ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 पाई होगा और बीच में 1 सिग्मा होगा, ठीक है, इस तरीके से आपको देखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि हमारे कौन बच्चे लीडर बोर्ड पे अपनी पोजीशन को बना रखा है अभी तक, किसने किसे रिप्लेस किया है। तो फाइनल लीडर बोर्ड आपको क्या लगता है बच्चे, विक्रम टॉप करेगा, क्या लगता है विक्रम आज के सेशन का विनर होगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ क्या लगता है, या फिर किसी ने उसे रिप्लेस किया होगा, एक बार लिख के बता दो चैट सेक्शन में। सरगुन, डिम्पी, ओके, हाँ, डबल बॉन्ड में बच्चे, डबल बॉन्ड में क्या होता है, 1 सिग्मा 1 पाई होता है, ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई होता है और बीच में 1 सिग्मा होता है, ऊपर नीचे पाई नीचे सिग्मा। ओके, तो विक्रम विनर होगा या फिर नहीं होगा, किसी ने रिप्लेस, डिम्पी शर्मा को लगता है रिप्लेस हो गया होगा। ओके, मंजीत, ओके, ऋषि को लगता है वही टॉप करेगा, बाकी तो कोई नहीं। हाँ बच्चे, मेरी अल्कोहल क्लास है, इसके जस्ट 5 मिनट बाद हम अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स करेंगे, तो उस सेशन में जरूर आना, फिर हम देखेंगे कि आपको अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स का कितना ग्रिप हुआ है, ठीक है, हमने किया है उसे बहुत बार किया है हमने अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स को एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन वन शॉट में, तो देखते हैं कि कितना ग्रिप हुआ है आप लोगों को। चलो फिर फाइनल लीडर बोर्ड देख लेते हैं हम इसका। तो फाइनली देखते हैं क्या हुआ है, क्या आया है लीडर बोर्ड पे चेंजेस। ओ नो, विक्रम को किसी ने रिप्लेस नहीं किया है, विक्रम फास्टेस्ट है एंड टॉपर भी है, तो विक्रम इज द विनर ऑफ टुडे सेशन, आप लोगों से कॉन्ग्रेचुलेशन बोल दो, शुरू से बहुत अच्छा खेला है। सेकेंड मंजीत, मंजीत ने भी अपनी पोजिशन को मेंटेन किया, मेरे दोस्त थर्ड है, फोर्थ है सार्थक, फिफ्थ है जैन, सिक्स्थ है एश शर्मा,
ठीक है, सेवेंथ सौंदर्य जी या एट्थ रोटी, ठीक है बच्चे जाके जल्दी से खाना खा लो, एंड नाइन्थ है ओपी एंड टेंथ है आराध्या। ओके, तो ये हमारे बच्चे हैं जिन्होंने जिन्होंने लीडर बोर्ड पे अपने पोजीशन को बनाया, बहुत अच्छा खेला है, विक्रम टॉप पे है, मेरी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू हिम, एंड बहुत अच्छा खेला है बच्चे। चलो फिर, तो मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन। चलो इसके जस्ट बाद हमारा दूसरा सेशन है 5 मिनट में, तो बच्चे वहां आ जाना, क्योंकि आज हम अल्कोहल्स फिनॉल्स ईथर्स के क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो बहुत मजा आएगा, हमने बहुत बार पढ़ा है उसे। तो चलो, अगर आपको ये क्रैश कोर्स चाहिए तो लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कूपन कोड आपका एनपी नीट है, और जो आपके बैचेस है नए बैच 7 जून से स्टार्ट हो रहे हैं, एनपी नीट आपका कूपन कोड है, तो एनरोल नाउ। और ये जो उड़ान सीरीज है वो स्टार्ट हो चुका है, बहुत अच्छा है, 10th से जो 11th में बच्चे गए हैं उनके लिए, और बहुत अच्छा सीरीज है बच्चे, तो उसमें सरप्राइज है, तो स्टे ट्यून्ड। एंड ऑल इंडिया मॉक टेस्ट 6 जून को स्टार्ट होने वाला है, एंड रजिस्टर करने के लिए लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और वेदांतिक बहुत अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया है टू हेल्प द स्टूडेंट्स, जो कि आपके इस पैंडेमिक सिचुएशन में जो है उनकी लर्निंग में हेल्प करने के लिए। और अगर आप भी इसका पार्ट बनना चाहते हो तो www.helpindialearn.in पे जाके ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। ये वेदांतों के ऐप से डाउनलोड करना मत भूलना, से बहुत अच्छी चीजें अवेलेबल है, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर फेवरेट वेदांतों का ऐप। अगर जो है ये वेदांतों का ऐप है, ये टेलीग्राम ग्रुप है, जरूर ज्वाइन कर लेना। और ये जो है हमारे बच्चे हैं, इन्होंने बहुत अच्छा रिजल्ट किया है, तो आप भी ऐसा कर सकते हो बच्चे। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर फेवरेट वेदांतों नीट मेरे चैनल, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं, कैन बी द पार्ट ऑफ आर फैमिली। तो मिलते हैं बस 5 मिनट में, ठीक है। चलो फिर, बाय बच्चे, सी यू सून।